हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम को लेकर के, जो कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी उसके अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था। ये केस नंबर है 67-53-2024, ठीक है। और ये जो केस जो है वो सुना गया था उन्हें, जो 19-2-2024 को, यानी आज ही के दिन इसका फर्स्ट हियरिंग था, ठीक है बच्चों। इसमें लोग टोटल जो है 40% जो थे पिटिशनर्स थे रिस्पोंडेंट में, और हमारे जो वकील थे उन्होंने इस मैटर्स पे आज जो हमारी लिस्टिंग हुई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ, इसको समझ लीजिए। 19 फरवरी 2024 को फ्रेश फॉर द सिविल वगैरह ये जो है केसेस के लिए फ्रेश जज ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने इसको सुना, ठीक है, लिस्टेड किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए दोस्तों, केस में एक्चुअली क्या हुआ, इस केस को जो है ना तो रिजेक्ट किया गया और ना ही इसको आगे प्रोसीड किया गया। एक्चुअली कोर्ट ने क्या कहा कि इसको आप हाई कोर्ट में पहले पिटीशन फाइल कीजिए इस केस को लेकर के, क्योंकि इस केस को जो फाइल किया गया था वो एडमिशन से रिलेटेड यानी सिविल केस है। तो जब भी कोई सिविल केस होती है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी जाती है, कई बार सुनी भी जाती है, कई बार इसे जो लोअर कोर्ट है यानी कि हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस को आप लेकर के हाई कोर्ट में जाइए, अगर हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिलता है तब फिर आप वापस आइएगा, इस केस को आपको हम पेंडिंग में रखते हैं, इसको हम रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है। केस को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, इसको कहा जाता है कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए, अगर वहां से आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप फर्दर आप यहाँ आइएगा, ठीक है, लेकिन पहले आप हाई कोर्ट जाइए। तो इस केस में अब फ्यूचर क्या होने वाला है दोस्तों, हाई कोर्ट में फिर से केस फाइल करना होगा, ठीक है। हाई कोर्ट में फिर से केस क्या होगा, फाइल करना होगा, ठीक है। और हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग में विद इन वन वीक में आपको फिर से डेट मिल जाएगी और वहां पर सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद जो आगे जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूंगा। इन फ्यूचर्स जो भी चीजें आगे होने वाली हैं, ठीक है, इन मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझसे पूछो दोस्तों तो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने में 2-3 दिन लग ही जाएंगे, 1 वीक से कम आपको अंदर डेट नहीं मिलेगा, फिर आपकी सुनवाई और बाकी प्रोसेस होगी, लिस्टिंग वगैरह होगी और ये पूरा प्रोसेस चलेगी, ठीक है। हाई कोर्ट में सेम प्रोसेस से चलेगी और वहां पर सुनवाई होगी और आपको डिसीजन मिल सकता है, स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन आ सकती है, ठीक है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्यों, कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट पहले कहती है कि हाई कोर्ट आप जाइए फिर आप हमारे पास आइए, ठीक है, ये परंपरा है, ये प्रोसेस होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पैनिक मत होइए, नई अपडेट आएगी, अच्छी अपडेट आएगी, संयम बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें सारे जो लोग काम कर रहे हैं इसके फील्ड में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।